हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसका लास्ट डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। गाइज, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ फैकल्टीज़, उसी के आगे जो उसका सब्जेक्ट है, और जो यहाँ पर टोटल आप जो सीट्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उनके ऊपर यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। इंग्लिश लिटरेचर के लिए 15 पोस्ट के लिए यहाँ पर पीएचडी एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। हिंदी लिटरेचर में 8 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। उर्दू में यहाँ पर 6 पोस्ट के लिए पीएचडी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में 5 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। संस्कृत में 7 सीटें रखी गई हैं। म्यूजिक एंड डांस में पीएचडी करने के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। वहीं हिस्ट्री में 8 सीटों पर पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इकोनॉमिक्स से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर 11 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप सोशियोलॉजी से पीएचडी करना चाहते हैं तो 5 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। जियोग्राफी में 12 सीट्स के लिए यहाँ एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। होम साइंस में 8 सीटें रखी गई हैं। फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 3 सीटें रखी गई हैं। कॉमर्स में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर मांगी जा रही हैं। कुल टोटल 179 पोस्ट के लिए यहाँ पर पीएचडी एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। उसी के साथ एजुकेशन में यहां पर 25 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 1 सीट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए 7 पोस्ट पर यहाँ पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 पोस्ट पर यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। अप्लाइड केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। अप्लाइड फिजिक्स में 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में 11 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डाटा साइंस में 4 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल में यहाँ पर 3 सीट पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर 2 पोस्ट पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। लॉ में 9 सीटों पर यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। बायो केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। बायो टेक्नोलॉजी में कुल टोटल 10 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। बॉटनी में 14 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। लाइफ साइंस में 5 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। जियोलॉजी में टोटल 33 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। मैनेजमेंट में यहाँ पर 117 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। गाइस, यहाँ पर कॉमर्स में जो था वो 179 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, और मैनेजमेंट से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 117 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। केमिस्ट्री में 26 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। मैथमेटिक्स में 19 सीटों पर मांगा गया है। फिजिक्स में 54 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, और फार्मेसी में कुल 17 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कुल टोटल यहाँ पर जो सीट्स निकल कर आई हुई हैं 669 सीटों पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पर 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर से मास्टर डिग्री प्रोग्राम, और उससे पहले आप लोगों को 4 इयर्स या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री एग्ज़ाम पास आउट होना ज़रूरी है। कुल टोटल 55% मार्क्स के साथ आप लोगों को पास आउट होना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी एसटी और ओबीसी के लिए यहां पर 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। 5% का रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा फॉर्म को फिलअप करने में।
इस फॉर्म को फिलअप करने का जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें आप देख सकते हैं फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 8 सितंबर से यहाँ पर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 30 सितंबर से पहले आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लें। करेक्शन का डेट भी यहाँ पर दिया गया है 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में। अगर आपके फॉर्म में किसी तरीके की कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो 31 अक्टूबर का डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंशन किया गया है। तो गाइस ये जो नोटिफिकेशन है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से निकल कर आया हुआ है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसे नैक ने ए ग्रेड की मान्यता दी हुई है। इसका जो एग्ज़ाम है वो DET के माध्यम से कराया जाएगा जिसे डॉक्टरल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो नेट GRF हैं वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जिन्होंने नेट GRF क्वालिफाई नहीं किया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है वो ₹1500 अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखा गया है, प्लस ₹50 यहाँ पर जो बैंक चार्ज है वो एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप अगर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो ₹1500 अप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों को देना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।